आपको बता दें कि उत्तराखंड शासन की ओर से हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड राज्य में धूली बजरी लाने पर पूर्ण प्रतिबंध है, परंतु प्रतिबंध के बाद भी खनन माफिया प्रतिबंधित खनन सामग्री लाने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि शासन की ओर से निर्देश है कि खनन विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, राजकर विभाग, सभी विभाग अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई करें, परंतु अक्सर देखा जाता है कि अवैध खनन पर रोक लगाने में वन विभाग एवं पुलिस विभाग ही धरातल पर अक्सर नजर आते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर बाकी के जिम्मेदार विभाग कहां सो रही है। इस पर वन क्षेत्र अधिकारी मुकेश कुमार द्वारा बताया गया है कि कुलहाल बॉर्डर पर अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। जाम का फायदा उठाकर कई बार अवैध खनन सामग्री परिवहन करने वाले उत्तराखंड राज्य में प्रवेश कर जाते हैं, परंतु वन विभाग अवैध खनन करने वालों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार वन विभाग द्वारा अवैध खनन करने वालों की विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। युक्त क्रम में हिमाचल की ओर से लाई जा रही प्रतिबंधित खनन सामग्री से भरे 3 वाहनों को पकड़ा गया है और उन पर सीज करने की कार्रवाई की गई है। और उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर जाम की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए पुलिस विभाग से भी सहयोग लिए जाने की बात की जा रही है। फायदा कि अवैध खनिज निकासी करने वाले जो वाहन चालक हैं, वाहन मालिक हैं, उनके द्वारा किया जाता है। तो कल इसी प्रकार की उपखनिज अवैध उपखनिज निकासी में हमारे द्वारा जब चेकिंग की गई तो उसमें 2 वाहनों को सीज किया गया है, जिनमें कि प्रतिबंधित उपखनिज पाया गया और उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है।